बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत देश का संविधान लिखा था, उनकी 131वीं जयंती पर बौद्ध समाज द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई के नेतृत्व में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जनों सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए डीजे के धुनों पर खूब थिरके। भारत देश के संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती भारत देश सहित पूरे विश्व में मनाई गई। पूरे विश्व में भारत का ही एक ऐसा संविधान है जिसे पूरी दुनिया सराहती है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुद्ध समाज से वास्ता रखते थे, इसलिए बौद्ध समाज में बाबा साहब अंबेडकर को एक देवता की तरह पूजा जाता है। यही कारण है कि विशेष तौर पर बौद्ध समाज ने भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई एवं उसकी सहयोगी इकाइयों के तत्वाधान में 14 अप्रैल गुरुवार को बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई और इस मौके पर एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध समाज के अलावा सर्व समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। यह रैली सेक्टर 6 अंबेडकर भवन से निकली, जिसने पूरे टाउनशिप क्षेत्र का भ्रमण किया और सेक्टर 1 अंबेडकर गार्डन में जाकर समाप्त हुई। भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई के अध्यक्ष नरेंद्र खोपरागढ़ सहित अन्य लोगों ने भी आज के दिन विशेष पर अपने उद्गार व्यक्त किए और आयोजन की जानकारी विस्तार से मीडिया को दी। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है। 131वीं जयंती के अवसर पर भिलाई नगर का बौद्ध समाज आज अत्यंत हर्षोल्लास के साथ में नगर क्षेत्र में जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज ये जो महारैली जो निकली है, ये बाबा साहब जयंती के अवसर पर ये इतनी विशाल रैली है, भव्यता के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में, नाचते गाते और ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य रैली, जिसमें झांकियां भी विभिन्न प्रकार की लगी हुई है, आज भिलाई नगर के क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। जो हम डॉक्टर अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन से निकली है, अभी हम सेक्टर 1 पार्क में जाकर हमारी रैली समाप्त होगी। मेरा नाम नरेंद्र खोपरागढ़, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई। विश्व के शांति के प्रेरक भगवान बुद्ध की सभी बातों को आत्मसात कर भारत का संविधान रचने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज 131वीं जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष में भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6 दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया मिलकर के बहुत ही जोश जुनून के साथ में जयंती का उत्सव मना रहे हैं और आज BSNL चौक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आदमकद चित्र लगा हुआ है, इस पर अभी माल्यार्पण किया जाएगा। अभी जो रैली आ रही है सामने से, और दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मीराताई अम्बेडकर और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर के निर्देशानुसार मुफ्त में कैलेंडर वितरण भी किया जाएगा सभी को, और शीतल पेय पदार्थ मठा का भी वितरण किया जा रहा है। आज 2 साल कोरोना काल में बीतने के बाद में देश के सभी अंबेडकरी अनुयायियों में काफ़ी जोश और जुनून है, सभी एक दूसरे से मिलकर के काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं। कोरोना के कारण हमारे कई साथी जो है काल कवलित हुए हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन भी पिछले साल हमारे कई साथी समाज को छोड़ गए थे, तो उन्हें हम नम आँखों से श्रद्धांजलि भी देते हैं। और एक अच्छा वातावरण इस बार तैयार हुआ है, सारे लोग मिलकर के और शहर के सारे संगठन मिलकर के रैली निकाले हैं और बाबा साहब की जयंती में उत्सव मना रहे हैं और सब एक दूसरे को मिलकर के बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। सभी प्रसन्नचित माहौल हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नाम अनिल मेश्राम, प्रदेश अध्यक्ष दिबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़। मैं जयश्री बौद्ध एक धम्मा प्रचारक के रूप में कार्य करती हूँ, है ना। बताएंगे आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज 131वीं जयंती मनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ में। विश्व में एक नॉलेज मतलब ज्ञान के दिवस में उनको मनाया जा रहा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को एक अमूल्य भेंट दी है जो संविधान, और उस संविधान के हर व्यक्ति एक प्राणी से लेके एक मनुष्य तक उस संविधान के अनुसार चलता है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस भारत को बहुत बड़ी देन है, यही बोलना चाहूँगी। और हम भिलाईवासी आज बड़े हर्षोल्लास के साथ, विचारों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हम 131वीं जयंती दिबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से भी मनाई जा रही है। जय भीम नमो बुद्धाय। प्रेरणा धाबड़े, मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन। आप सभी भारतवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा साहब ने
आपकी जयंती आज पूरे विश्व में मना रहे हैं। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क, कोलंबिया, सारे जगह पे बाबा साहब के स्टैचू लगे और सभी जगह पे जयंती मना रहे हैं। और बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया है, संविधान निर्माता बाबा साहब की आज जयंती है। और उस अवसर पर एक आप जो देख रहे पूरी विशाल रैली है और इतनी लंबी बाइक में लड़कियां जो है चला रही है, पंथी डांस वाले डांस कर रहे हैं और कार की लाइन जो या इतनी लंबी लाइन लगी है रैली की और इतनी जोरदार आयोजन हो रहा है। कल भी काफ़ी सारे कार्यक्रम हुए हैं। महामाया भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई के तत्वाधान में और आज जो इवनिंग में जो प्रोग्राम होने वाले वो भी काफ़ी आकर्षक है। बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं शाम को भी, तो आप सभी आइएगा देखने जरूर। और आप सभी को फिर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर निकाली गई रैली में बौद्ध समाज के सदस्यों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए झांकियों का आयोजन भी किया गया था। साथ ही डीजे की धुनों पर सर्व समाज मगन होकर नृत्य कर रहा था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाते हुए निकाली गई विशाल रैली का स्वागत सम्मान भी जगह जगह किया गया और भीषण गर्मी को देखते हुए उनके लिए शीतल पेय भी उपलब्ध कराया गया। गुरुवार को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए भिलाई शहर भी पूरे दिन जय भीम के नारों से गुंजायमान होता रहा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।